जिसकी सरकार उसका बोलबाला। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक रसोई में, जहाँ पर रसोई योजना के तहत 8 रुपए में स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन मिलता है। ये राजधानी जयपुर में सचिवालय के पास वाली रसोई है जहाँ पर ये भोजन मिलता है। और कारण क्या है कि अगस्त 2020 में जो उस समय सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा ना सोए के ध्येय से इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी। अब जब राज्य में भजन लाल सरकार है तो इस इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया गया है, जहाँ पर 8 रुपए में लोगों को खाना मिलता है। और ये बात आपको अंदर चल के बताएंगे किस प्रकार की व्यवस्था होती है, कैसी ये रसोई होती है, क्या क्या इसमें मिलता है। जो ये व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, साफ़ सफाई का बिल्कुल यहाँ पर ध्यान, और बाकायदा बैठने के लिए व्यवस्था। और ये रसोई योजना है जिसमें शाम का भोजन, दिन का भोजन, ये मेन्यू जो होता है इस तरीके से पहले लिख दिया जाता है। शाम का भोजन मेन्यू रहेगा रोटी दाल चावल चटनी सब्जी कद्दू रायता, इस प्रकार से। ये रसोई योजना में जो नंबर है, जो रसोई की जो संख्या है, वो 733 है। इसमें इस प्रकार से यहाँ पर पहले कूपन लेना पड़ता है, कूपन के बाद में आपका आधार जो है वो पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है, उसके बाद में आपको यहाँ भोजन की थाली मिलती है। लेकिन अब इस योजना का नाम बदल गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल रात ये निर्देश जारी किया कि इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अब श्री अन्नपूर्णा रसोई किया जाएगा। और ये बात बिल्कुल सत्य मानी जाएगी कि जिसकी सरकार उसका वैसा बोलबाला होता है। सरकार भाजपा की है, उन्होंने अपने हिसाब से इसका नाम तय किया। अगर ये योजना आगे भी शुरू रही तो हो सकता है कि अगर कोई और पार्टी सत्ता में आए तो इस रसोई को उनके जो नाम उन्हें पसंद हो उसके हिसाब से आगे चलाए। लेकिन जो व्यवस्था लोगों के लिए है कि 8 रुपए में भोजन दिया जाता है, इसमें आप देख पा रहे हैं सफाई की पूरी व्यवस्था है। लेकिन जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कुछ कमियां हैं रसोई में, जिसे पूरा करने की कोशिश अब आगे ये सरकार, भजनलाल सरकार करेगी। कमी किस प्रकार की है वो देखना होगा। क्या फूड क्वालिटी को लेकर बदलाव होने चाहिए, क्या फूड क्वांटिटी को लेकर बदलाव होने चाहिए, और रसोई खुलनी चाहिए, क्योंकि रसोई की संख्या शहरी इलाकों में काफ़ी, लेकिन ग्रामीण इलाकों तक ये योजना पूरी तरीके से पहुंचनी चाहिए। इसको लेकर जो कमियों की बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है, वो देखना होगा किस प्रकार से पूरी होगी, किस प्रकार से इस रसोई योजना को, श्री अन्नपूर्णा रसोई जो अब किया गया है नाम, उसे किस तरीके से बेहतर भजनलाल सरकार राजस्थान में अब बना पाएगी। लगातार आपको ऐसी रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे, आप देखते रहिए राजस्थान चौक।